Subscribe my Learning Zone channel and press the bell icon and get the notification of my new video. वेलकम टू माय चैनल लर्निंग जोन. दोस्तों आपका लर्निंग जोन में बहुत-बहुत स्वागत है. दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपना कुछ ऐसे कि हम एक जैसे मान लो ये फाइल है Amazon की फाइल है दोस्तों ये और ये आइसक्रीम फोल्डर दोस्तों ये सब है. दोस्तों इसको हम वो प्रोटेक्ट कैसे करें पासवर्ड के पासवर्ड सहित. दोस्तों उसके लिए हमें कुछ प्रोसेस और स्टेप करने पड़ेंगे दोस्तों. तो वो करने के लिए हम चलते हैं दोस्तों, हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं. दोस्तों वो उसके लिए आपको एक सेटअप डाउनलोड करने पड़ेगा, उसका नाम है anvi फोल्डर लॉकर. दोस्तों उसके लिए हम डाउनलोड करने के बाद दोस्तों उसका कुछ सेटअप इस प्रकार का होगा. दोस्तों जब आप डाउनलोड करेंगे तो उस पे लिखा होगा AFLS सेटअप. दोस्तों इसको नेक्स्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट कर लेते हैं. ब्राउजर पे हम जाते हैं दोस्तों. डेस्कटॉप जहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है, कंफर्ट लगे आपको वहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए. मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ. तो डेस्कटॉप पे करने के बाद दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ पर फाइल आ गई है दोस्तों. एक इसको कैंसिल मार देते हैं दोस्तों. इसको थोड़ा दोस्तों यार फाइनली आपको अगर फाइनली मैं ओके कर दूंगा तो फाइनली ये आपका हो जाएगा. मैंने एंटर दबा दिया. दोस्तों मैं जैसे एंटर दबाऊंगा दोस्तों आप ऑब्जर्व करना यहाँ पे जो डिक्शनरी के नीचे एक दोस्तों फोल्डर जैसे कि दोस्तों पहले ही आ गया फोल्डर anvi नाम का फोल्डर आ गया दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं. कर देते हैं दोस्तों. अब दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टेप है, आप स्टेप को फॉलो करके दोस्तों पासवर्ड लगा सकते हैं. लेकिन मैं खुद ही ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो स्टेप का क्या फायदा, स्टेप क्या करेंगे आप दोस्तों. मैं चलते हैं दोस्तों. तो उसके लिए दोस्तों हम फर्स्ट दोस्तों करेंगे दोस्तों हम पहले इधर anvi फोल्डर लॉकर को हम ओपन करते हैं अपना. तो दोस्तों यहाँ पे एकदम क्रिएट मास्टर पासवर्ड यानी कि आप मास्टर पासवर्ड को क्रिएट कर लीजिए. दोस्तों आप मास्टर पासवर्ड क्रिएट करने के लिए हमें पहले चाहिए होगा एक 6 डिजिट का एक पासवर्ड. हम कोई सा भी ले लेते हैं. जैसे कि मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 टैप 1 2 3 4 5 6 टैप. दोस्तों अब ईमेल आईडी मांग रहे हैं. ईमेल आईडी में भर देता हूँ. इससे गलती से दोस्तों मैंने ईमेल आईडी भर दी है दोस्तों अपने जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों. मैंने दोस्तों मैं आगे चलता हूँ दोस्तों. ओके करता हूँ उसमें. ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल की बात कर रहा है दोस्तों. ऐसे कि मुझे लगाना है दोस्तों इधर सॉन्ग नाम का एक फोल्डर यहीं कहीं होगा दोस्तों. मैं सॉन्ग नाम के फोल्डर पर लगा लेता हूँ. सॉन्ग नाम के फोल्डर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ दोस्तों. अब मैं इसको आपको बता देता हूँ कितने कितने वो है प्रोसेस. जैसे कि आप देख रहे हैं अनप्रोटेक्ट हाइड. अनप्रोटेक्ट अगर आप करेंगे तो दोस्तों अनप्रोटेक्ट हो जाएगा. इसमें कोई सा भी आपको खास नहीं होगा दोस्तों. हमें पासवर्ड लगाना है तो आप रीड ऑनली करेंगे दोस्तों तो आप रीड कर पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे इसके अंदर. लॉक करेंगे तो सिर्फ लॉक हो जाएगा दोस्तों, खुलेगा भी नहीं. हाइड करेंगे तो छुप जाएगा पूरे पीसी में कहीं पर भी. मैं पासवर्ड लगाना है तो मैं पासवर्ड अपना लगा देता हूँ दोस्तों. मैं अपना पासवर्ड को चुन लेता हूँ. जैसे कि मान लो मैं अपना पासवर्ड रखता हूँ. अब है शुक्ला, मैंने पासवर्ड रख लिया अपना. अब है शुक्ला, मैंने पासवर्ड इंट्रो में डाल दिया दोस्तों. अब जैसे कि मैं चेक कर लेता हूँ उसको अपना, मैंने डाल दिया दोस्तों. अब मैं यहाँ पे दोस्तों कहीं आपका सॉन्ग नाम का फोल्डर ले लिया दोस्तों. जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है. मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ दोस्तों. पासवर्ड आपके पास आ गया दोस्तों. जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये सब आ गया दोस्तों. आपके पास कोई भी आपके फाइल को हार्मफुल नहीं होगा दोस्तों. मैं अपने फाइल देख लेता हूँ कितने हैं. 36 के 36 फाइल है दोस्तों. यहाँ पे कोई भी आपको हार्मफुल नहीं होगा दोस्तों. अब यहाँ पे पूछ रहा है आपको यस और नो दोस्तों. अगर आप नो कर देंगे दोस्तों आप कितनी इसको अगर खोलेंगे आप तो पासवर्ड नहीं मांगेगा सिंपली. अगर आपको बार बार खोलना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप यस करेंगे तो आपको फिर से पासवर्ड देना पड़ेगा इसको. जैसे कि आप दोस्तों कहीं पे जा रहे हैं दोस्तों, मैंने डाल दिया दोस्तों. जैसे कि आप कहीं बार बार काम कर रहे हैं दोस्तों पीसी पे तो आपको बार बार ये करना पड़ जाएगा दोस्तों. उसके लिए आपको आप नो कर दे तो ज्यादा सही है, लेकिन मैं यस कर देता हूँ दोस्तों. अब मैं अब मेरा ट्यूटोरियल खत्म हो गया दोस्तों. अब दोस्तों चलते हैं जैसे कि हम अपना
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और दोस्तों अगर मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में। दोस्तों मैं अगले ट्यूटोरियल में आपको बताने वाला हूँ कि हम क्यूआर कैसे जनरेट करें, क्यूआर स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं। चलिए दोस्तों।